नहीं भाई सारे फ्लॉप हो यार, सारे फ्लॉप मुंह तोड़ दिया मैंने, मार नहीं यार मैं पूरा मारी। हमारे जा रहे हैं अली भाई, बाहर देने ओए क्या। नहीं यार अली अभी तो पीछे। वेलकम टू यारी दोस्ती पिजन कॉर्नर। दोस्तों आज हम कबूतर के रिलेटिव वीडियो नहीं, आज हम स्पोर्ट्स के रिलेटिव वीडियो बना रहे हैं। देखिए कबूतरबाजी के साथ आदमी को स्पोर्ट्स भी खेलना चाहिए, उससे क्या होता है सेहत अच्छी रहती है और फिट रहता है बंदा। तो आज हम आए थे हॉकी ग्राउंड में, तो कुछ ये लड़का है और भाई क्या हाल है, ठीक हो? बढ़िया बढ़िया भाई। तो हॉकी खेलते हो आप? बताना सर हॉकी, ये हॉकी है सर। तो मैं बनाता हूँ आपकी वीडियो सर। नहीं 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 सर आप कोई बात नहीं, ये हॉकी है। तो भैया इस ये मिक्स के कितने की मिलती है ये? सर इसके अपने अपना रेट होता है, ठीक है मटेरियल पे, और इसका जो कंपनी होती है इसकी कंपनी पे डिपेंड होता है। तो हम आज हॉकी लगभग 6-7 हज़ार की मिल जाती है। तो आज हम आए थे हॉकी ग्राउंड में कबूतरबाजी के साथ, हम मिक्स की सभी को कहते हैं कि स्पोर्ट्स भी खेला करें, तो उससे क्या होगा कि आप फिट रहोगे, आपकी सेहत अच्छी रहेगी। तो डॉक्टरों के पास आपको कम जाना पड़ेगा, तो देखिए जी, और आप नशे पत्ते से भी दूर रहोगे। ये तो मेन मोटिव है कि क्योंकि आजकल नशा बहुत ज़्यादा हो गया है, तो दो नशे को छोड़ने के लिए दो ही चीज़ें हैं, एक स्पोर्ट्स दूसरा कबूतरबाजी। और यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छा ग्राउंड है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, ये पवेलियन है। तो देखिए थोड़ा वर्क भी चल रहा है, काम स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के। ये जम्मू कश्मीर जम्मू में ग्राउंड है ये, तो बहुत ही अच्छा ग्राउंड है। तो मेरी दोस्तों से यही अपील है कि नशे की तरफ मत जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स के लिए, और जो स्पोर्ट्स नहीं खेल सकता और कबूतरबाजी कीजिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर मेरे चैनल, वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जो इस वीडियो को देख रहा है।